हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3। द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 98,784। फाइंड द नंबर्स। देखिए, जब नंबर्स को रेशियो में दे दे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर्स को फाइंड करना चाहिए। मतलब ये तो रेशियो दिया हुआ है, हमें नंबर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, उन नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। तो उन नंबर्स को हम फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से, ये जो 1 है 2 है 3 है इनमें यदि हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। और जब एग्जैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे तो जो आगे हमें बोला है यहाँ पर करने के लिए, वो कर करके हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद से हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा। तो लेट अस सॉल्व इट। ओके, तो कब बोला है कि थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3। तो हम पहले उस नंबर्स को निकाल लेंगे। सो लेट द थ्री नंबर्स आर एक्स कॉमा 2x एंड 3x। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि किसी एक वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रेशियो बना हुआ है, जैसे कि x और 2x और 3x का यदि आप रेशियो निकालेंगे तो फिर से 1:2:3 आ जाएगा। क्योंकि रेशियो आप कैसे निकालते हो, मान लो कि आप 2 है 4 है और 6 है, आप इसका रेशियो निकालना चाहते हो, क्या करते हो, 2:4:6। मतलब कि आपको क्या करना है कि इसमें से कॉमन कोई भी फैक्टर होता है उसको आप कैंसिल आउट करते हो। तो 2 को लिख सकते हो आप 2:1:4, लिख सकते हो 2:2, और 6 को लिख सकते हो आप 2:3। ओके, इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो 2 को आप क्या करते हो, कैंसिल आउट कर देते हो, और जो बचता है वही आपका हो जाता है रेशियो। मतलब रेशियो वह छोटा से छोटा नंबर्स होते हैं, नंबर्स का मतलब अर्जमेंट होता है जिसमें से फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं। 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 मिलेगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 जब 4, यहाँ 3 से 2 से करेंगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ भी किया गया है, बस हमें पता नहीं है कि यहाँ पर जो फैक्टर कैंसिल आउट हुआ है इसमें वो क्या है, इसीलिए उसको हमने एक्स माना है, और x मानकर मल्टीप्लाई कर लिया तो एग्जैक्ट नंबर मिल गया। ठीक है, अब x को फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो ये रही आपकी बेसिक नॉलेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 98,784, मैंने इन सब का जो क्यूब का सम है वह 98,784 है। तो फाइंड द नंबर्स, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी कैन राइट, सो एक्स क्यूब प्लस 2x होल क्यूब प्लस 3x होल क्यूब इज इक्वल टू 98,784। इट इम्प्लाइज, देखिए यहाँ इम्प्लाइज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, यहाँ देखिए इस क्यूब करेंगे तो दोनों में करेंगे, है ना, 2 का करेंगे और एक्स क्यूब का भी करेंगे, तो 2 जब 4 जब 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8x³ प्लस यहाँ हो जाएगा 3 जा 9 9 3 जा 27 27x³ इज इक्वल टू 98,784। यहाँ ऐड कर लेंगे क्योंकि देखिए सारे सेम वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी x³ है यहाँ भी x³ है, तो वी कैन ऐड ऑल दिस। तो देखिए 8 1 9 हो गया 9, और 27 हो जाएगा 36, तो हो जाएगा हमें 36x³ इज इक्वल टू 98,784। अब यहाँ पर हम पहले इसके फैक्टर को, जो यहाँ पर 36 है, इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू मिल जाएगा 98,784 होल अपॉन 36। अब यहाँ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ 6 से पहले ले जाते हैं, 6 6 जा 36, यहाँ 6 करते हैं 6 1 जा 6, मीन्स आ जाएगा 2744। इट इम्प्लाइज हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2744। अब यहाँ पे क्या करना होगा, बोथ साइड्स में क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, तो आपको लिखना होगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ मिलेगा क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ
मतलब कि बोथ साइड्स में आप सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है, या पढ़े हुए हैं इक्वेशंस में, तो इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे यदि एक्स क्यूब का, तो केवल एक्स बाहर आएगा, राइट, या फिर इसको सॉल्व करेंगे ये जो, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स क्यूब ऐसे दिया हुआ है 3, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब होल पावर 1/3, क्योंकि ये जो रेडिकल साइन है उसका वैल्यू होता है 1/3, यदि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो, ठीक है। और यहाँ पे आप यदि लगाएंगे एक्सपोनेंट्स रूल तो मिल जाएगा 3 × 1/3 और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मिलेगा यहाँ पर एक्स। और यहाँ पे अगर ना होगा फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, और ट्रिपलेट्स बनाने पड़ेंगे सारे प्राइम फैक्टर्स के, तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले फैक्टराइज कर लेंगे 2744, ओके, तो मैंने यहाँ पर फैक्टराइज कर लिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। अब यहाँ बना लेंगे ट्रिपलेट, तो यहाँ देखिए 2 का बन रहा है, 7 का बन रहा है, तो इट मीन्स यहाँ से बाहर जब आएगा तो ये आ जाएगा 2 × 7, आपको मिलेगा ये x इक्वल टू 14। यदि x की वैल्यू मिल गया तो अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हमने माना था यहाँ पर 3 नंबर्स x, 2x एंड 3x, तो केवल x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, x वैल्यू यहाँ रखेंगे और x वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो हमारे 3 नंबर्स क्या होंगे फाइंड आउट हो जाएंगे। लिख सकते हैं यहाँ पर कि हैंस 3 नंबर्स आर x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 2 × 14 मीन्स 28, एंड लास्ट वन इज, एंड 3x इज इक्वल टू 3 × 14 42। सो आपके जो 3 नंबर्स हैं और जो आंसर है वो ये है, पहला आपका नंबर ये है, दूसरा नंबर 28 एंड तीसरा 42। जैसा कि हमने बताया था कि इनका रेशियो यदि आप निकालेंगे तो एग्जैक्टली 1:2:3 आएगा। क्यों आएगा, आप यहाँ पर रेशियो मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर रेशियो निकालूँ इनका तो क्या आएगा देखते हैं। देखिए 14:28:42 यदि मैं करता हूँ, तो यहाँ पर 14 को लिख सकता हूँ मैं 14 × 1, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं 14 × 2, और यहाँ लिख सकता हूँ 14 × 3, राइट। यहाँ देखिए सब में कॉमन क्या है, 14 है, 14 को हम कैसे आउट कर सकते हैं, इसीलिए 1:2:3 जो बचा है वही रेशियो कहा जाता है इन 3 नंबर्स का, तो वही दिया था बस, और उसके हेल्प से हमने क्यूब करके फाइंड कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला था, ठीक है। आप समझ चुके होंगे पूरी तरह से, यदि आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं, आपने देखा नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।